It's no longer just words that are escalating tension between the US and Iran. आपके साथ हूं मैं नेहा बातम, ईरान और अमेरिका के रिश्तों की बात करेंगे जिसके बीच तनाव जैसा माहौल है, जंग का सायरन गूंज रहा है। Tuesday it looked like the US and Iran were on the brink of war. आप जब ईरान सर्च करते हो YouTube पर आपको ये सब सुनने को मिलता है। ये सब के होते हुए भी मैं ईरान गया एज अ टूरिस्ट। क्या ऐसा कुछ है ईरान में जो मीडिया आप लोग को नहीं दिखाती? ऑफ कोर्स है, और यही रीज़न है जिसको जानने के लिए आपको ये सीरीज पूरा देखना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। देखो गाइस, आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इस बार। मैं हूँ फ़िलहाल बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए कहा क्योंकि अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 4:30, और यहाँ से मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई से फिर मैं ईरान जाऊँगा। Just go upstairs and sit. If the taxi came, he will text you in WhatsApp. Okay. Where I should go? Upstairs? Go straight, then turn left. You can see stairs. Okay. They're going up. Okay. Thanks a lot. अभी यहाँ पे बज रहे गाइस शाम के 7, और मेरी फ्लाइट अभी आई इमाम कोमिनेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट प्रॉब्लम क्या है गाइस कि यहाँ से एयरपोर्ट से मेरे होस्ट का प्लेस 1-1.5 hours की जर्नी है। तो उन्होंने मेरे को दुबई में जब था तभी उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे आने के बाद आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, और यहाँ पे एयरपोर्ट में वाईफाई भी नहीं है कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था यहाँ पे किसी एक लोकल के फ़ोन से उनको फ़ोन करने के लिए। तो मैंने अभी उनको फ़ोन किया और वो वहाँ से टैक्सी भिजवा रहे हैं मेरे लिए यहाँ पे एयरपोर्ट पे। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे को पता नहीं हो टैक्सी ड्राइवर कहाँ है और वो मेरे को कैसे पहचानेंगे। देखता हूँ गाइस अभी क्या होता है यहाँ पे। आई नीड टू मेक वन कॉल। यू डोंट हैव फोन? ओके, थैंक यू। यार यहाँ पे यार किसी को इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही। अराउंड 15 minutes हो गए गाइस, मैंने उनको कॉल करके बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ, बट अब पता नहीं वो टैक्सी ड्राइवर मेरे को कैसे ढूँढेगा यहाँ पे। I need to call in this number. Call. This number. Jai Mazano. यहाँ पे फ़ोन लगा के देख रहा हूँ मैं, उनको पूछ रहा हूँ कहाँ गए वो कैब वाले। Mashhoor. 50 minutes. वाइट। ओके यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे। हेलो बोलो, इन दोस्तों میخواد با شما صحبت کنه، میخواد گوشی رو بدم بهش. گوشی. हेलो या 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 ओके आई शुड कम विद दिस गाय ओनली राइट? ओके थैंक यू सर। या तो चलो गाइस, फाइनली टैक्सी वाला तो मिल गया। काफ़ी ठंड है यहाँ पे। सर यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो द इंग्लिश। योर नेम? योर नेम? ओके नो प्रॉब्लम। तो ये हाल है यहाँ पे, किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही यहाँ पे। तो
यही रीज़न के कारण मेरे होस्ट ने कहा था कि वो भिजवा देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी से कम्युनिकेट तो कर नहीं पाऊँगा। तो जो भी है, मिल गए टैक्सी ड्राइवर, अभी ये मेरे को उनके लोकेशन तक लेके चले जाएंगे। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, मतलब जो कपड़े मैं पहना हूँ, जो कपड़े मैं पहन के आया हूँ मेरे घर से, वो कपड़े तो शायद यहाँ पे कुछ भी काम में नहीं आएंगे। देखते हुए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अराउंड 6-7 डिग्री तक हो सकता है यहाँ पे। बहुत बहुत ठंड है, काँप रहा हूँ यहाँ पे बुरी तरह से। फाइनली कैब में बैठ गए हम लोग अभी। और हाउ मच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हियर? डिस्टेंस ओके, नो प्रॉब्लम, यू टेक तो ये जो सर मेरे बगल में बैठे हुए हैं वो अराउंड 100-120 के 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी। ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है, पूरी रोड खाली है और सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो भी कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली ये कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को। मैंने इनको पूछने की कोशिश करी कि एयरपोर्ट से मेरे होस्ट के घर कितना किलोमीटर है या फिर कितना डिस्टेंस है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। होपफुली ये मेरे होस्ट के घर तक सेफली पहुँचा दे, वही काफ़ी होगा मेरे लिए। तो अभी देखते हैं गाइस क्या होता है, मैं आपको डायरेक्टली मेरे होस्ट के घर पे जाके मिलता हूँ अभी। It's quite cold here. Yes, cold. I think I should buy some good clothes. I don't have like no problem. You can buy from Tehran or my city, yeah. My parents' house. Yeah. Now we go to my parents' house for okay. dinner. Okay. Together. Okay. Hello. Hello. Andy? Yeah, Vishnu. Vishnu. Yeah. Vishnu, I'm Roger. Rojan. Roger. Yeah. And your name, ma'am? What? Your name? Effie. Yes, actually, from China. You can call me Raju. Yeah. He has Indian name. Yes. That's what I was wondering. We went to China for three. We went for to India. India for three times. Wow! We really love that country. Yeah. So, maybe next time we'll go back again. Great. Okay. Sorry, we're staying here. If you. Oh, no problem at all. Thank you. I'm so grateful much. To Sajid that he made me meet few more travelers in Iran. Yes, that's good. Yes, thank you. Okay, it's not possible. Okay. Because of this is nature. Okay. It's not from shop. Okay. It hasn't understood. It's totally natural. You mean? It's nature. Yeah. From nature. Yes. So guys, finally, मैं मेरे host के घर पे आ गया हूँ. I'm speaking Hindi. Yes. Okay. So मैं साजिद, इनका नाम साजिद है, जिन्होंने मेरे को host किया है इनके घर पे. और ख़ास चीज़ क्या है कि इनके साथ दो चाइनीज़ और होस्ट हैं. सो शी इज़ एफी. नमस्ते. एंड ही इज़ राजू. तो इनका नाम इंडियन है. नमस्ते. और इन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा है और मेरे को यही बात यही चीज़ बता रहे थे कि क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस करा है. तो बहुत मज़ा आ रहा है गाइस. इन्होंने मेरे को टी ऑफ़र किया यहाँ पे, तो अभी चाय पी रहे हम लोग. जैसे ही हम ईरान आए, जो इनकी हॉस्पिटैलिटी है वो दिखने को मिल रही है अभी. जैसे ही मैं इनके घर पे आया, इन्होंने मेरे को चाय ऑफ़र करा और थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऑफ़र करे इन्होंने. तो अभी हम लोग ये इन्जॉय कर रहे हैं. थोड़े यहाँ पे चाइनीज़ गेस्ट भी हैं, तो उनके साथ हम लोग अभी बातें कर रहे हैं. अभी थोड़ा प्लान हम लोग का है, थोड़ा हम लोग बाहर जाएंगे डिनर के लिए. आर वी गोइंग एनी वे फॉर डिनर? आर वी गोइंग एनी वे फॉर डिनर? माय सिस्टर्स हाउस. ओके, तो अभी हम लोग मेरे होस्ट के सिस्टर के घर जाएंगे डिनर करने के लिए. It's salad, you know. It's not so Iranian, and it's soup. We say super jo. Super jo. Yes, and it's different with your soup. I mean, maybe look is different, but maybe taste is same. I think taste is not different. This is we say torshi. It's like a sour, not yeah, sweet. Sour.
Yes, sour. We eat beside the food, and eat the olive and not simple olive. We mix with some another thing. तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं साजद भाई के फैमिली के घर पे आने वाला हूँ और उनके साथ मैं डिनर करने वाला हूँ. तो इन सभी के साथ मैं अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं और इनको मैं शुक्रगुजार नहीं कर सकता. इतनी अच्छी अरेंजमेंट करी है इन्होंने और मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए. आप लोग बस ये खाना देखो आप लोग. So I am telling my viewers that I am so grateful that I am getting to experience this thing and really really I'm very grateful. خیلی خوشبختم از این موضوع. Okay, you're welcome, bro. Thank you.